बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमानुद्दीन आपके अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बहुत खुशी से ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक और उनके बेटे फारिक नायक बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान कब आएंगे, कब और किस शहर में खिताब करेंगे, उन्हें पाकिस्तान किसने बुलाया, डॉक्टर जाकिर नायक को पाकिस्तान आने में चार बड़े खतरात कौन से हैं, नरेंद्र मोदी इस सूरत हाल में क्या कर सकता है और भारतीय मीडिया इस पर क्या करेगा, और डॉक्टर जाकिर नायक इतनी देर से पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, और आखिरी बार वो पाकिस्तान कब आए थे और उन्होंने क्या किया था। आज की वीडियो में हम आपको ये सारी तफसीलात बताएंगे और इसके अलावा हम डॉक्टर जाकिर नायक से अपना सवाल कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 20 सितंबर 2024 डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम जारी किया। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर जाकिर नायक ने एक खबर जारी की और बताया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक मलेशिया से उड़ान भरेंगे और वो पाकिस्तान में 30 सितंबर 2024 को लैंड करेंगे, यानी कि डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने दौरे से 10 दिन पहले इस खबर का ऐलान किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक अपने तमाम तर दौरे खुफिया रखना चाहते हैं और वक्त से पहले इसको अनाउंस नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर नादिर अली के साथ बहुत से सवालात किए गए कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने किसी वाज़ह तारीख का ऐलान नहीं किया, जबकि ब्रॉडकास्ट इस खबर के ऐलान से चंद रोज पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल के जवाब में बस इतना ही कहा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं, और यकीनन इसकी बड़ी खबर ये थी कि वक्त से पहले ऐलान कर दिया जाता तो नरेंद्र मोदी और वहाँ की सरकार किसी न किसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ता करने की कोशिश करते और डॉक्टर जाकिर नायक का पाकिस्तान का दौरा नाकाम बनाने की कोशिश करती। एक और बड़ी वजह यह है कि दुश्मन को वक्त से पहले डॉक्टर जाकिर नायक की हरकत और सकनात का इल्म हो जाता तो वो कोई खतरनाक मंसूबा भी बना सकता है। दोस्तों इस पर आगे जाकर बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान के तीन बड़े शहरों में इज्तमात से खताब करेंगे। पाकिस्तान के एक हफ्ता क्याम और आराम के बाद डॉक्टर जाकिर नायक अपना पहला खुतबा पाकिस्तान की आबादी के अतबार से सबसे बड़े शहर कराची में 5 और 6 अक्टूबर को करेंगे। ये बड़ा अवामी इज्तमा होगा जिसमें आम अवामी मुस्लिम और गैर मुस्लिम शिरकत कर सकेंगे और अपने सवालात करेंगे। दूसरा इज्तमा पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में होगा, वो जो कि 12 और 13 अक्टूबर को होगा। तीसरा और सबसे अहम और बड़ा इज्तमा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 19 और 20 अक्टूबर को होगा। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक को पाकिस्तान आने की किसने दावत दी। यूं तो हर पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो डॉक्टर जाकिर नायक से प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नायक को पाकिस्तान आने की दावत देते हैं, मगर इस बार पाकिस्तान आने की दावत डॉक्टर जाकिर नायक को किसी मदरसे या किसी मौलवी या किसी बड़ी तंजीम ने नहीं की, बल्कि डॉक्टर जाकिर नायक हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान होंगे। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बड़े वाज़ह अल्फाज में लिखा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत की दावत पर दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों ये बात बहुत अहमियत के हामिल है कि अगर डॉक्टर जाकिर नायक को किसी मदरसे या आलिम या किसी तंजीम किसी शख्स ने जाती हैसियत से दावत दी होती तो डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान आ रहे होते तो उसकी सारी सिक्योरिटी जिम्मेदारी उस शख्स या उस इदारे पर होती, मगर अब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने दावत दी लिहाजा ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। और सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर जाकिर नायक को ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान में आकर महफूज हैं या कि नहीं। लेकिन दोस्तों जहां हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नायक की सिक्योरिटी संभालेगी तो कुछ बड़े खतरात भी हैं। पहला खतरा डॉक्टर जाकिर नायक की सिक्योरिटी का है, चूँकि वो अवामी इज्तिमा से खिताब करते हैं, मगर वो अवाम में कोई भी शख्स उनसे मिलने या सवाल पूछने आ सकता है, और आमतौर पर जहाँ पर हजारों अफराद जमा हो जाएं उस मकाम पर सिक्योरिटी पर यकीनी बनाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान और ईरान के जरिए बहुत बड़े खतरात मंडला रहे हैं। लेकिन हम सब ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नायक की हिफाजत करे। और आमतौर पर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इज्तिमा में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो शिद्दत पसंद होते हैं और अपनी नफरत का इजहार उस मौका पर करने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सियासतदान पर कोई जूता उठाता है और कभी वहाँ पर किसी तरह का वाकया होता है, खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हो गया तो ये बहुत खतरे का बायस है। तीसरा अहम खतरा डॉक्टर जाकिर नायक की पाकिस्तानी यूट्यूबर और टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू से हो सकता है। अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया कि डॉक्टर जाकिर नायक इस दौरे पाकिस्तान के दौरान किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल को या किसी यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू देंगे या कि नहीं।
मगर जब वो एक माह तक पाकिस्तान में क्याम करेंगे तो इस दौरान बहुत से टीवी चैनल्स उनसे रब्ता करेंगे। चौथा सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान में बसने वाले शिया कम्युनिटी है। गोया कि वो पुरअमन हैं, बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले शिया कम्युनिटी से चंद अफराद बहुत शिद्दत पसंद हैं और वो डॉक्टर जाकिर नायक के कुछ पुरानी बयानात को याद करके तनकीद करेंगे और ये तनकीद सोशल मीडिया पर सामने आ सकती है। याद रखें जो कि डॉक्टर जाकिर नायक के एक बयान जिसमें यजीद से मुतल्लिक कुछ कहा गया था, उस पर शिया कम्युनिटी डॉक्टर जाकिर नायक से बहुत नाराज हुई और वो समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक यजीद के साथ इल्तरानहो क्यों लिखते हैं, जो कि गलत है। शिया हजरात तो यजीद को गालियां देते हैं और डॉक्टर जाकिर नायक इनके नाम के साथ रजी इल्तरानहो लगाते हैं। मगर इस बयान के बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने वाज़े अल्फाज में माफी मांगी, मगर आज तक शिया लोग डॉक्टर जाकिर नायक को इस बुनियाद पर सख्त नफरत करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक का इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक भारत का वजीर आजम है, जहाँ से डॉक्टर जाकिर नायक अपनी जान बचाकर मलेशिया चले गए, 2016 से अपने वतन वापस नहीं जा सके। नादर अली ब्रॉडकास्ट के दौरान भी डॉक्टर जाकिर नायक ने यही कहा था कि भारत जाना मुश्किल नहीं बल्कि वहाँ से वापस आना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसे में जब डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान आ रहे हैं, चूँकि भारत जो के दुश्मन मुल्क है, नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते कुछ खतरनाक मनसूबा बना सकता है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नायक के इस दौरे पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार मीडिया या भारतीय मीडिया को आग लग चुकी है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का मीडिया चूंकि मोदी के पैसों पर चलता है, जो डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बहुत सी बकवास बकता है, उनकी शख्सियत पर, उनके खिताब को, उनके अंदाज को बनाकर उनकी तनकीद करते हैं। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी कहा था कि जब उनको भारत से निकाला जा रहा था तो वो भारत से हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान आ जाएं और उनकी बातचीत भी चल रही थी और वो मलेशिया चले गए कि भारत हुकूमत और भारतीय मीडिया ये इल्ज़ाम लगा दे कि डॉक्टर जाकिर नायक ICI के एजेंट बन गए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान गए हैं। लेकिन क्या ये इल्ज़ाम भारतीय मीडिया अब भी दोहराएगा? यकीनन ऐसा मुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपसे सवाल ये है कि इस सूरत हाल में हमको क्या करना चाहिए? बतौर पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नायक की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज बन जाता है, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। हम पाकिस्तानी गैरतमंद कौम हैं, अपने मेहमान की हिफाजत करना हमें बहुत अच्छे से आती है और उनको एहतराम देना भी जानती है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नायक का एहतराम करने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि उनके इज्तमात में पुरअमन अंदाज में शिरकत की जाए, उनके साथ मुदलल मुश्किल फिक्र पर मबनी सवाल रखे जाएं और डॉक्टर जाकिर नायक के इलम से फ़ायदा उठाया जाए और उनसे अच्छे अच्छे सवाल किए जाएं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।